17,000 मानदे को लेकर 5 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं अन्वेषक। यहाँ पर बिग ब्रेकिंग न्यूज़। दूसरी खबर है, वैश्विक शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ाए जाने पर क्या कहा वैश्विक शिक्षा मंत्री जी ने। सदन में सरकार से लगातार विपक्ष प्रश्न कर रहा है मानदेय कर्मियों के मानदेय बढ़ाने के संबंध में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अंतरिक्ष शिक्षा मित्रों में मुद्दों को जोड़ने के लिए क्या कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्वेषक न्यूज़। अब खबर विस्तार से। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने अन्वेषकों के मुद्दे को उठाया है। 17,000 मानदेय की लड़ाई लड़ रहे 5 साल से अन्वेषक, इस हेडलाइन से उन्होंने प्रकाशित किया है और ये समाचार पत्र प्रयागराज से प्रकाशित हुआ है। मैं आपको विस्तार पूर्वक इस खबर को पढ़कर सुनाता हूँ। परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूल में कार्यरत प्रदेश के 27,000 से अधिक अन्वेषक पिछले 5 सालों से 17,000 रुपये मानदेय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अन्वेषक पहले 7,000 रुपये प्रतिमाह पा रहे थे, जिसे हाल ही में सरकार ने बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया है, लेकिन अन्वेषक उससे संतुष्ट नहीं है क्योंकि 9,000 रुपये अभी भी उनके खातों में नहीं आया है, इसलिए संतुष्ट नहीं है। परिषदीय अन्वेषक कल्याण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2017 में मानदेय 17,000 रुपये कर दिया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने उसे लागू नहीं किया। अन्वेषक भोलानाथ पांडे ने बताया कि 17,000 रुपये मानदेय के लिए उन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। न्यायालय ने अन्वेषकों को 9% ब्याज के साथ 17,000 रुपये मानदेय देने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील कर दी। अन्वेषकों का केस लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने बताया कि इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो आगे बताना चाहूँगा, ये सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी, जो कि प्रस्तावित है अगली तारीख अन्वेषकों के मानदेय 17,000 को लेकर। एक और खबर यहाँ पर, बेसिक शिक्षा में कार्यरत आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने के जाने के संबंध में ये प्रश्न किया गया था। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अन्वेषकों, शिक्षा मित्रों, रसोइयों एवं समस्त आउटसोर्सिंग कर्मियों का मानदेय बढ़ाए जाने पर सरकार विचार करेगी, यदि नहीं तो क्यों? ये प्रश्न किया गया था बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, और उसके जवाब में क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। शैक्षिक सत्र 2022-23 में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अन्वेषकों के मानदेय में 2,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी करते हुए 9,000 रुपये प्रतिमाह एक वर्ष में 11 माह के लिए तथा मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि करते हुए 2,000 रुपये वर्ष में 10 माह के लिए किया गया है। ये संदीप सिंह वैश्विक शिक्षा मंत्री का कहना था, उनका उत्तर है। आगे उन्होंने उत्तर में लिखा है, माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 32599/2015 उत्तर प्रदेश सरकार राज्य व अन्य बनाम आनंद कुमार यादव ने पारित आदेश दिनांक 25/7/2017 के क्रम में शासन आदेश दिनांक 20/7/2017 जारी किया गया है, जिसके द्वारा शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर नियत 10,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। आउटसोर्सिंग कर्मियों का मानदेय उनके नियोक्ता सेवा प्रदाता संस्था द्वारा नियत किया जाता है। सेवा प्रदाता संस्था का चयन निविदा के माध्यम से समय समय पर किया जाता है। प्रश्न उठता ही नहीं है। माननीय मंत्री जी, आपको यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कि ये अन्वेषक जो हैं, आप जानते हैं, केंद्र द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत और संवैधानिक अधिकारों के तहत अन्वेषक शिक्षक पर भर्ते हुए, ना कि किसी सेवा प्रदाता या एनजीओ के द्वारा। तो आपको ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर, ये अन्वेषकों के साथ लागू नहीं होता है जो आप कर रहे हैं। प्रश्न जरूर उठता है। एक और समाचार है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कार्य सूची, इसमें प्रश्न है, डॉक्टर मंजू सिवाय द्वारा दिनांक 24 मई 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी। ये सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधानमंडल के एक साथ संवैध दोनों सदनों के समय दिनांक 23 मई 2022 को दिया, कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद प्रकट करते हैं। प्रस्ताव में प्राप्त संशोधनों के लिए देखिए नथ।
श्री अनिल प्रधान प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए, किंतु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया। ये प्रश्न किया गया है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने के संबंध में, उत्तर प्रदेश किसानों के निजी नलकूप को निःशुल्क विद्युत देने के संबंध में, और सबसे लास्ट में दिया है उत्तर प्रदेश कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने के संबंध में। इसी के साथ अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को स्थायी करने के संबंध में। तो देखा किस तरीके से सम्यक रूप से अनुदेशकों के मुद्दे को उठाया जा रहा है, समान कार्य समान वेतन के मुद्दे को उठाया जा रहा है, अनुदेशक शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण के संबंध में प्रश्न उठाए जा रहे हैं, और लगातार कहा जा रहा है कि अन्य राज्यों में 20,000 से कम मानदेय नहीं है। बिहार हो, उत्तराखंड हो या फिर राजस्थान हो, कहीं भी 20,000 से मानदेय कम नहीं है अनुदेशकों का और शिक्षा मित्रों का। लेकिन सिर्फ एक यूपी ऐसा प्रदेश है जहां पर अल्प मानदेय में कार्य करने के लिए मजबूर हैं अनुदेशक शिक्षा मित्र। एक दिहाड़ी मजदूरी से भी कम है उनकी मजदूरी, जो कि डबल इंजन की सरकार के लिए अत्यधिक खेदजनक बात है। तो साथियों, इसमें आपने देखा कि किस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं लगातार अनुदेशक शिक्षा मित्रों के। देर भले सवेर जरूर होगी, आपको आपका अधिकार अवश्य मिलेगा, ऐसे हम ईश्वर से कामना करते हैं। मिलते हैं अब किसी और अपडेट के साथ, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, अनुदेशक एकता, जिंदाबाद।